जय माता दी। दोस्तों, आने वाली वट पूजा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन में हमेशा तरक्की करती रहें। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ वट पूजा के बारे में। वट पूजा के बारे में बहुत सारी जो बहनें हैं उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि दीदी, साड़ी जो है वो हमेशा नई पहननी चाहिए, एकदम से नई मार्केट से खरीद के कोरी साड़ी है वो पहने, या जो साड़ी है वो हम पुरानी भी पहन सकते हैं, या किस कलर की जो साड़ी है वो हमें पहननी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। साथ साथ में बहुत सारी जो नई दुल्हन है, नई माताएं बहनें हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, वो भी प्रश्न उनका भी आता है कि मेरा पहला वट सावित्री का व्रत है तो हमें क्या शादी वाली साड़ी पहननी चाहिए, हम कोई भी साड़ी पहन सकते हैं। तो मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ताकि बहुत ही आसानी से आपको समझा सकूँ और आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मैं एक एक आपके प्रश्नों का जो जवाब है वो दे देती हूँ। सबसे पहले जो नई दुल्हन है, तो जो जिनकी शादी नई हुई है, अभी शादी हुई है, पहला वट सावित्री का व्रत है, उनको क्या करना चाहिए? उनको जो शादी की साड़ी है वो पहनना चाहिए। मतलब उन्होंने जो साड़ी शादी में पहन रखी थी, कोशिश करें कि आप वो साड़ी, वो लहंगा जो भी है आपके पास वो आप पहन सकती हैं। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनका शादी का जो साड़ी है वो किसी भी प्रॉब्लम से वो नहीं पहनना चाहती हैं, तो ऐसी माताएं बहनें अपनी शादी की और बहुत सारी साड़ियां जो होती हैं वो पहन सकती हैं। अच्छा, बहुत सारी माताएं बहनें ये भी बोलती हैं कि हमने शादी, जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास कोई भी साड़ी नहीं है, तो हमने जो लहंगा वगैरह है उससे शादी की थी, वो रेंट पर लाए थे, वो हमने रिटर्न कर दिया, अब हम कौन सी साड़ी पहने? तो आप कोई भी साड़ी जो आपके पास शुद्ध हो, स्वच्छ हो, वो साड़ी आप जो वट पूजा व्रत है उसमें पहन सकती हैं। अब बहुत सारी माताएं बहनों का ये प्रश्न आता है कि दीदी, जो वट वृक्ष की पूजा अगर हम करने जाते हैं तो हमें हमेशा नई कोरी जो साड़ी है वो पहननी चाहिए, तो अगर आप की श्रद्धा है, आप हर बार नई साड़ी खरीद सकती हैं तो आप पहन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकती हैं, आप बिल्कुल पहन सकती हैं, लेकिन आपके पास क्षमता नहीं है, आप नहीं खरीद सकती हैं, आप एक साड़ी को कई बार पहनना चाहती हैं, तो हाँ, आप पुरानी साड़ी जो है, कई बार की पहनी हुई जो साड़ी है वो भी आप वट पूजा में पहन सकती हैं, बस साड़ी जो है वो आपकी शुद्ध होनी चाहिए। कैसी साड़ी नहीं पहननी चाहिए? जो साड़ी पीरियड्स के दौरान पहनी गई हो, या जो साड़ी को पहन के हमने खाना वगैरह जो है वो खा लिया होता है, वो साड़ी हमें पूजा में नहीं पहननी चाहिए। साड़ी जो धुली हो, साफ़ सुथरी साड़ी हो, ऐसी साड़ी जो है वो हमें पूजा पाठ में पहननी चाहिए। अब बहुत सारी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी, जो साड़ी है वो किस कलर की पहननी चाहिए? तो जो पूजा है, पूजा के समय हमेशा हमें जो लाल, पीली या गुलाबी इस टाइप की साड़ियाँ, ऑरेंज कलर, इस टाइप की जो साड़ियाँ हैं वो हमें पहननी चाहिए। डार्क कलर की जो साड़ी है वो हमें नहीं पहननी चाहिए। डार्क कलर जैसे डार्क ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, या डार्क पर्पल हो गया, बहुत सारे ऐसे जो कलर होते हैं जो डार्क होते हैं, वो हमें कलर की साड़ियाँ जो वो नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि पूजा में, अगर हम सही बोलें तो जो पूजा में पीला और लाल कलर है वो सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। इस टाइप की अगर हम साड़ियाँ पहनते हैं तो भगवान जी हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपना आशीर्वाद जो है वो हम पे बनाए रखते हैं। एक प्रश्न बहुत बार आता है कि दीदी, ये बताइए कि पूजा के दौरान हमें साड़ी ही पहननी चाहिए, हम सूट नहीं पहन सकते, हम कोई अदर ड्रेस जो है वो नहीं पहन सकते हैं। तो मैं अगर बात करूँ कि पूजा में क्या पहनना चाहिए, तो पूजा के दौरान आपको हमेशा साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि साड़ी हमारा जो हिंदू रीति रिवाज में, हमारी जो परंपरा है, वो साड़ी में ही पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ साथ में अगर आप लहंगे में भी पूजा करती हैं तो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो सूट वगैरह में पूजा करती हैं, तो हाँ, आप सूट में भी पूजा कर सकती हैं। सर पर आपको जो अपनी पल्लू है, जो चुन्नी है, वो हमेशा रखना चाहिए और पूजा जो है वो करना चाहिए। लेकिन आप कोशिश करें कि आप साड़ी में ही पूजा करें या आप लहंगे में ही पूजा करें, सूट वगैरह ना पहने, लेकिन अगर आप पहनना चाहती हैं तो आप सूट जो है वो पहन सकती हैं। बाकी वेस्टर्न जो ड्रेस होती हैं, उस टाइप की ड्रेस में हमें जो पूजा है वो नहीं करनी चाहिए। हमें अपने हिंदू कल्चर के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही धार्मिक कपड़े जो हैं, जो हमारे रीति रिवाजों में
शामिल हुए हैं, जो हमने पहन के हमारी शादी वगैरह जो हुई है उस टाइप के कपड़े हमें पूजा पाठ में पहनने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।